किसके गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज अपन पढ़ेंगे किसके बारे में। इसमें अपन ने कल जाना था इंटरप्रेटर और कंपाइलर में अंतर जाना था, आज अपन पढ़ेंगे। आप हैं पीजीडीसी के छात्र, पीजीडीसी के छात्र हैं। अपने सब्जेक्ट का नाम है कंप्यूटर, सब्जेक्ट का नाम है कंप्यूटर फंडामेंटल, कंप्यूटर फंडामेंटल, कंप्यूटर फंडामेंटल। इसके अंदर अपन कल पढ़ चुके थे, क्या पढ़ा था अपन ने, अपन ने पढ़ा था कल कंपाइलर इंटरप्रेटर के बारे में। आज अपन पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग भाषाओं के प्रकार, यानी क्या जानेंगे, टाइप्स ऑफ मतलब प्रोग्रामिंग भाषा, क्या जानेंगे, प्रोग्रामिंग भाषा, भाषा के क्या जानेंगे, प्रोग्रामिंग भाषा के प्रकार। अब सबसे पहले तो जाना, जिस तरीके से हमने कंपाइलर इंटरप्रेटर की डेफिनेशन जानी थी, ठीक इसी तरीके से आज अपन क्या जानेंगे, प्रोग्रामिंग भाषा, यानी कहने का प्रोग्रामिंग भाषा को मुख्यतः कितनी श्रेणियों में बांटा है, प्रोग्रामिंग भाषाओं को दो भागों में बांटा, वर्गीकृत किया गया। अभी की दो भाषाएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहली होती है निम्न भाषा। सबसे पहली भाषा का क्या नाम है? निम्न भाषा। इसको कितने भागों में बांटा? दो भागों में, निम्न भाषा और एक उच्च स्तरीय। कितने प्रकार की थी? उच्च स्तरीय भाषा। इतना स्टूडेंट समझ में आया आपको, जितना जो भी आपको मैंने बताया। अब इसमें जानेंगे सबसे पहले हम जानेंगे किसके बारे में, निम्न भाषा को इंग्लिश में बोलते हैं लो लेवल। क्या बोलते हैं इसको? लो लेवल लैंग्वेज। क्या बोलते हैं? लो लेवल लैंग्वेज। और उच्च स्तरीय भाषा को बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। क्या होती है? दो भाषा होते हैं, बताया प्रोग्रामिंग भाषा। अपन आज क्या पढ़ा, टॉपिक का नाम है प्रोग्रामिंग भाषाओं के प्रकार। क्या टॉपिक का नाम है? प्रोग्रामिंग भाषाओं के प्रकार। प्रोग्रामिंग भाषाओं कितने भागों में बैठा? दो भागों में। इसकी दो भाषाएं कौन, दो भाग कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले इसमें होता है निम्न स्तरीय भाषा होती है, दूसरी होती है उच्च स्तरीय भाषा। सबसे पहले जानेंगे निम्न स्तरीय भाषा की डेफिनेशन, काय की जानेंगे डेफिनेशन, निम्न स्तरीय भाषा की बात करेंगे। आज अपन किसकी बात करेंगे? निम्न स्तरीय भाषा। अब निम्न स्तरीय मतलब क्या होता है? यदि इसकी डेफिनेशन कहें तो क्या कहेंगे? कंप्यूटर के आंतरिक भाग में सभी कार्य इसके विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ सर्किट यानी विद्युत परिपथ में, यानी क्या है निम्न स्तरीय भाषा क्या होती है, फिर से जानेंगे। निम्न स्तरीय भाषा को क्या कहेंगे? निम्न स्तरीय भाषा होता है जिसमें कंप्यूटर, यानी कहना निम्न स्तरीय भाषा की परिभाषा क्या होगी? कंप्यूटर की, यानी निम्न स्तरीय भाषा की परिभाषा क्या होगी, क्या होगी इसकी परिभाषा निम्न स्तरीय की? कंप्यूटर के आंतरिक भाग में सभी कार्य इसके विद्युत परिपथ में विद्युत संकेतों के सिग्नल्स के द्वारा क्या होते हैं? संपन्न होते हैं। यानी कहने का जो एक सर्किट होता है उसमें जो सिग्नल्स होते हैं वो किसके द्वारा संचालित होते हैं? सिग्नल्स के द्वारा संचालित होते हैं, क्योंकि इसमें प्रत्येक कंप्यूटर निर्देशों को विद्युत या कहें इसमें यानी जो इसमें निर्देश होते हैं कंप्यूटर, प्रत्येक इंस्ट्रक्शन को क्या होता है? पल्स। यानी प्रत्येक जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको क्या कहते हैं? जो इंस्ट्रक्शन इसमें देते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उनको पल्स कहते हैं। हमेशा ये पल्स किस भाषा को समझते हैं? ये किसको समझते हैं? जीरो और जीरो वन के फॉर्म में रूप में काम करते हैं। इसके फॉर्म में काम करता है ये
जब इसमें जो हम डिजिट देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो किसके रूप में काम करता है? 01 के रूप में कार्य करता है। और इसमें बोला है जब 01 के इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं, 01 के सिग्नल्स होते हैं कंप्यूटर में, इसमें क्या किया जाता है, इसमें सीधे ही निर्देश दिए जाते हैं कंप्यूटर में। क्या कहते हैं, सीधे ही वो निर्देश कंप्यूटर में इनपुट होते हैं। यानी क्या कहने वाले, 01 के इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को निर्देश, यानी कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम निम्न, यानी इसे हम क्या कहते हैं, निम्न स्तरीय भाषा कहते हैं, लो लेवल लैंग्वेज। पर ये तो हमने जाने कि लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, यानी कहने का मतलब है इसमें लो लेवल लैंग्वेज, यानी ये तो अभी हमने जान लिया क्या होता है, यानी इसमें कहने का मतलब कुल टोटल इसका सार क्या है। इसमें सभी कार्य होते हैं, इसके आंतरिक भाग में सभी कार्य क्या होते हैं, विद्युत सर्किट के रूप में और सिम्बॉल्स के रूप में, सिम्बॉल्स वाला सिग्नल्स के रूप में कहते हैं कंप्यूटर में, सिग्नल्स के द्वारा क्या होते हैं, संचालित होते हैं, इनमें सिग्नल्स के द्वारा संचालित होते हैं। कंप्यूटर प्रत्येक निर्देश को विद्युत पल्स, क्या है इसमें जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, सिग्नल्स दिए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, पल्स कहलाते हैं। क्योंकि इसमें प्रत्येक निर्देश कंप्यूटर में क्या होता है, 01 के फॉर्म में निर्देश दिए जाते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, निम्न स्तरीय भाषा कहते हैं। तो निम्न यानी लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। कंप्यूटर के आंतरिक सर्किट, आंतरिक मतलब अंदरी, यानी एक इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल। आंतरिक मतलब समझना अंदरी भाग, यानी इंटरनल भाग में, मतलब है ना, इंटरनल सर्किट के लिए सीधे समझने योग्य क्या बनाइए, यानी इंटरनल यानी अंदरी भाग को समझने के लिए क्या बनाइए भाषा, उसे हम बोलते हैं निम्न स्तरीय भाषा कहते हैं। और इसमें बताया है कंप्यूटर की संरचना के स्तर, यानी इसमें कंप्यूटर की संरचना यानी कंप्यूटर के स्ट्रक्चर के स्तर पर, यानी इसमें सभी कार्य क्या होते हैं, इसमें एक कंप्यूटर, यानी इसमें कंप्यूटर के स्ट्रक्चर पर होता है, इसमें सारे कार्य क्या होते हैं अंग्रेजी में, यानी कुछ अंग्रेजी में सिंबल की है, क्या करते हैं जो हम हिंदी इंग्लिश में जो उसको चीज इंस्ट्रक्शन देते हैं वो किस भाषा में जाते हैं, बाइनरी 01 के फॉर्म में, क्या करते हैं निर्देशों को वो समझता है कंप्यूटर, इसे हम यानी अंग्रेजी में, यानी क्या कहता है जो मान्य भाषा, जैसे कि अंग्रेजी में समझता नहीं है, अंग्रेजी में क्या करता है समझ, अंग्रेजी में से होता है कि अंग्रेजी में क्या करता है समझ नहीं रखता है, क्योंकि इसे होता है कि इसमें निम्न स्तरीय भाषा को क्या किया है, फिर इसमें दो भागों, निम्न स्तरीय भाषा को कितने भाग में बांटा, दो भाग। अब इसके लिए क्या होते हैं दो भाग, यानी निम्न स्तरीय भाषा को हमने क्या किया, निम्न स्तरीय भाषा को इसको भी दो भागों में बांट, इसकी दो भाग कौन कौन से हैं, दो भागों में बांट। अब इसके भी दो भाग कौन कौन से होते हैं, पहला भाग होता है हमारा मशीनी भाषा और दूसरा हमारा होगा असेंबली भाषा। ये तो आज अपन ने क्या जाना है कि निम्न स्तरीय भाषा क्या होती है, अब इसी में हम जानेंगे उच्च स्तरीय, ये तो अभी हमने जाना कि इसको दो भाग, मशीनी भाषा, अब इसमें जानेंगे मशीनी भाषा की डेफिनेशन, मशीनी भाषा की डेफिनेशन क्या होती है, किस तरीके से कार्य करनी, ये तो अभी अपन ने क्या जाना है कि किस तरीके से, ये तो अभी अपन ने क्या जाना कि निम्न, यानी सबसे पहले निम्न स्तरीय भाषा जाना, अब इसी के अंदर यदि हमने जाना है इसको दो भाग, पहला हमने क्या है इसकी डेफिनेशन जानेंगे सिम्बॉल्स वगैरह, इसे हम निम्न स्तरीय भाषा कहते हैं, निम्न स्तरीय भाषा को दो भाग, मशीनी भाषा और असेंबली भाषा। अब इसमें हम जानेंगे सबसे पहले, अब हम क्या जानेंगे इसमें, जैसे कि अभी हमने जाना क्या कि मशीनी भाषा यानी निम्न स्तरीय भाषा क्या होती है, लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, अब इसी के अंदर हम जानेंगे मशीनी भाषा के लिए, मशीनी भाषा क्या होती है, मशीनी भाषा की परिभाषा क्या है, मशीनी भाषा की परिभाषा क्या है, तो मशीनी भाषा कहते हैं कंप्यूटर यानी सेकेंडरी अवस्था में, क्या होते हैं सेकेंडरी अवस्था में, सेकेंडरी स्टेज, यानी क्या होता है कंप्यूटर में सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक भाग, क्या होते हैं कंप्यूटर में सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, मशीनी भाषा क्या होती है सेकेंड, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं कंप्यूटर द्वि अवस्था इलेक्ट्रॉनिक भागों से मिलकर बना होता है, क्या होता है दो भागों से मिलकर बना होता है, जो केवल दो अवस्था, यानी जो दो अवस्था मतलब 0 और 1, यानी 0 और 1 को समझता है, इसे हम मशीनी भाषा कहते हैं। मशीनी भाषा क्या होती है, जैसे हिंदी अंग्रेजी वगैरह ये हो सकती है, ये होती है मशीनी भाषा। अब ये तो हमने जाना है इसे, यानी क्या होते हैं
इस तरीके से असेंबली भाषा क्या होती है, असेंबली भाषा क्या होती है ये तो हमने जाना कि बाकी नहीं आता, दूसरी हम जानेंगे असेंबली भाषा क्या होती है, असेंबली भाषा क्या होती है, असेंबली भाषा क्या होती है थोड़ी जटिल होती है जिनमें प्रोग्रामों को करने के लिए इसका यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें कुछ तरीके के शाब्दिक क्या होते हैं शाब्दिक रूप दिया जाता है, यानी कंप्यूटर की क्रियाओं को शाब्दिक रूप दिया जाता है जो भी क्या करता है जीरो है, क्योंकि इसमें कुछ निमोनिक कोड होते हैं, क्या होते हैं जो कि निमोनिक कोड क्या होते हैं कोडों में इनको व्यक्त किया जाता है, निमोनिक कोड में आना जैसे होता है असेंबली भाषा, इसे हम निमोनिक इसमें जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो निमोनिक भाषा में तैयार किए जाते हैं, जैसे कि निमोनिक कोड हमारे इसमें जैसे कि ऐड करना है एक ऐड के एक निमोनिक कोड है, इसमें हम इसमें डेट है टाइम आदि का इसका यूज किया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं असेंबली, असेंबली क्या होती है प्रोग्राम होता है जिसमें कई तरीके के प्रोग्रामिंग भाषा को करने के लिए यूज किया जाता है। अब हम जानेंगे उच्च स्तरीय लैंग्वेज का, तो उच्च स्तरीय लैंग्वेज की यदि जाने तो उच्च स्तरीय लैंग्वेज का जिस तरीके से अपन ने कंपाइलर इंटरप्रेटर में कुछ डेफिनेशन जाने थे, कंपाइलर इंटरप्रेटर में क्या जाना था यानी हमने जाना था हाई लेवल में लिखे हुए प्रोग्राम को क्या करता है लो लेवल लैंग्वेज में लो को हाई में कन्वर्ट करने का कार्य करता है, मतलब हमने यहाँ जाना था हमने क्या जाना था हमने इसमें कुछ जाना था हमने इसके अंदर कुछ जाना था जैसे जाना था कि वो किस तरीके से कार्य करता, जैसे हमने जाना था कि हमारी हमारी क्या होती है जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, जो हाई लेवल लैंग्वेज क्या करती है इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते हैं, वो इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं जीरो वन के फॉर्म में क्या करते हैं जो सारे जो चीज लिखते हैं हम देते हैं उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं वो क्या करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज लिखे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने का कार्य करता है, इसे हम क्या कहते हैं इसे हम हाई लेवल काफी है।